नमस्कार बच्चों, 6-8 के बच्चे मेरे साथ हिंदी व्याकरण का अनुच्छेद लेखन आज पढ़ेंगे और इसको अपनी नोटबुक में करेंगे। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया कि चैप्टर 1 से 12 आपका कंप्लीट हो चुका है और अब आपका लेखन पार्ट शुरू हो गया है, जिसमें 27 चैप्टर से अपठित गद्यांश, 28 चैप्टर से अनुच्छेद लेखन है। इसको मैं आज आपको करा रही हूँ और बताऊँगी कि कौन से अनुच्छेद आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। पर बच्चों, अनुच्छेद होता क्या है और इसे लिखते समय कौन कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, जरा इसको भी पहले समझ लेते हैं। अनुच्छेद में किसी एक विषय पर संक्षेप में मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की जाती है। इसमें एक ही अर्थ, विचार अथवा भाव का प्रतिपादन होता है। अनुच्छेद एक सुगठित वाक्य समूह होता है। इसे संक्षिप्त निबंध भी माना जा सकता है, लेकिन निबंध और अनुच्छेद में अंतर होता है। निबंध में विषय के पक्ष विपक्ष में तथा उसके विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा होती है, किंतु अनुच्छेद में विषय की विस्तृत चर्चा नहीं की जाती, केवल मुख्य बिंदुओं का ही वर्णन होता है। अर्थात इनका कहने का तात्पर्य है, अनुच्छेद निबंध का ही एक छोटा रूप होता है। निबंध में किसी भी विषय को लेकर, उसके पक्ष और विपक्ष को लेकर, उसकी लाभ हानियों को लेकर विस्तृत चर्चा की जाती है, परंतु अनुच्छेद में इसे संक्षिप्त रूप में ही वाक्य समूह के आधार पर या वाक्य जो गठन होता है उसके आधार पर इसको लिख दिया जाता है। मुख्य बिंदुओं को ही इसमें लिखा जाता है और जो विषय का भाव है उसको अच्छे से विस्तृत एक्सप्लेन कर दिया जाता है। तो इसमें कुछ बातें होती हैं बच्चों ध्यान में रखने वाली, अनुच्छेद लिखते समय कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं। जैसे नंबर एक, अनुच्छेद ना अधिक बड़ा होना चाहिए ना अधिक छोटा। यह 5 वाक्यों से लेकर 1 प्रश्न तक का ही हो सकता है। दूसरा आता है, विषय से संबंधित सभी भावों या विचारों पर पहले विचार कर लेना चाहिए। नंबर 3 में आता है, विचारों को व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध रूप से लिखना चाहिए। नंबर 4, विषय के किसी भी बिंदु की विस्तृत व्याख्या करने से बचना चाहिए। नंबर 5 है, अनुच्छेद की भाषा सरल, सहज और सरस होनी चाहिए। तो बच्चों, इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम अनुच्छेद लिखेंगे, जिसमें आपकी बुक में ही 2-3 अनुच्छेद कुछ दिए गए हैं। इनमें से 2 अनुच्छेद आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। पहला करना है बच्चों, नंबर 1 वाला, भारत का प्रहरी हिमालय। इस विषय को लेकर आज हम अनुच्छेद लिखेंगे। भारत की धरती को प्रकृति ने अपने विभिन्न रूपों से सजाया है। कहीं मरुस्थल हैं तो कहीं हरे भरे मैदान, कहीं वन हैं तो कहीं वृक्षों का अभाव, कहीं पर्वत श्रृंखलाएं हैं तो कहीं रेत के टीले। प्रकृति ने भारत को अनेक वस्तुएं उपहार में दी हैं। उन्हीं में से एक है पर्वतराज हिमालय, जो भारत के उत्तर में भारत माता के मुकुट की भांति सुशोभित हो रहा है तथा सदियों से भारत के सजग प्रहरी के रूप में खड़ा है। कवि कुल गुरु कालिदास ने इसे देवात्मा कहकर संबोधित भी किया है। यह भारत की पुण्य भावनाओं का, उसकी समस्त श्रद्धा का प्रतीक है। यह भारत का गौरव है। यह अनेक पवित्र नदियों का उद्गम स्थल है, जिसके कारण भारत भूमि शस्य श्यामला कहलाती है। हिमालय पर ही हिंदुओं के अनेक पवित्र तीर्थ स्थल विद्यमान हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, मानसरोवर, अमरनाथ, ऋषिकेश आदि तीर्थ स्थान यही हैं। इसकी पर्वत श्रृंखलाओं पर अनेक रमणीय प्राकृतिक प्रदेश हैं, जिसमें जैसे शिमला, कुल्लू, मनाली, कश्मीर आदि। हिमालय रत्नों का भंडार है, वनों का केंद्र, अनेक दुर्लभ जीव जंतुओं की क्रीड़ा स्थली तथा अनेक औषधियों का भंडार है। यह सचमुच भारतीय संस्कृति का मेरुदंड है। मेरुदंड मीन्स रीढ़ की हड्डी। तो बच्चों, ये अनुच्छेद आपको अपनी नोटबुक में करना है। दूसरा एक और पढ़ते हैं, बढ़ते उद्योग सिकुड़ते वन। अर्थात जिस तरह से उद्योग बढ़ रहे हैं तो उद्योगों को लगाने के लिए लोगों को वन काटने पड़ते हैं और स्थान को एक लंबे चौड़े स्थान की उन्हें आवश्यकता होती है, इसलिए वो वनों को काट देते हैं और अपने उद्योग को वहाँ पर
स्थापित कर देते हैं, परंतु इससे हमें क्या हानि हो रही है ये भी हम इससे में जानकारी लेते हैं। तो ये दूसरा वाला जो अनुच्छेद है ये भी आपको अपनी नोटबुक में करना है। आदिकाल में मानव पूरी तरह जंगली जीवन व्यतीत करता था तथा जंगल ही उसके भरण पोषण का मुख्य आधार था। जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता गया, व्यक्ति ने न केवल जंगल से अपना नाता तोड़ लिया अपितु उस पर आधिपत्य जमाने के लिए उसके साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया तथा उसके दोहन में संलग्न हो गया। प्रकृति की अमूल्य देन वनों को उसने अत्यंत बेरहमी से काटना शुरू कर दिया। परिणामतः अनेक समस्याओं का जन्म हुआ, जिनमें प्रदूषण, भूमि का कटाव, बाढ़ों का आना, वर्षा की अनिश्चितता आदि मुख्य हैं। बढ़ती जनसंख्या और उद्योग धंधों के विस्तार के कारण अब आज का मानव वनों की कटाई करने को विवश है। उद्योग धंधों का विस्तार तथा बढ़ती हुई जनसंख्या की आवास की समस्या के लिए अतिरिक्त भूमि उपलब्ध कराने के लिए उसे वनों की कटाई करना ही एकमात्र उपाय नजर आता है। वनों से मिलने वाली लाख, गोंद, रबर जैसी वस्तुएं तथा दिया सलाई, प्लाईवुड, कागज आदि उद्योग के लिए कच्ची सामग्री का अभाव हो गया है। इस समस्या का एक ही समाधान है, जितने वृक्ष काटे जाएं उतने ही लगाए भी जाएं। तो बच्चों, ये अनुच्छेद जो मैंने आपको पढ़ाया है ये भी आपको अपनी नोटबुक में करना है कि किस तरह से वनों की कटाई हो रही है और उससे क्या क्या समस्याएं हमारे सामने आने लगी हैं और इसका उपाय क्या है वो भी यहाँ पर बता दिया गया है कि जितने वृक्ष काटे जाएँ उतने लगाए भी जाएँ। तो बच्चों, ये दोनों जो अनुच्छेद हैं आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, साफ साफ राइटिंग में करने हैं। और दूसरी बात बच्चों, एक और बता दूं आपको, एक अनुच्छेद एक पेज पर करना है, दूसरे पेज पर दूसरा नया अनुच्छेद दूसरे नए पेज पर ही करना है। ये नहीं करना है कि आप लोग कई बार बहुत ज़्यादा छोटे छोटे राइटिंग में बहुत ज़्यादा गंदा वर्क कर देते हो, वो आपको नहीं करना है। देख करके लिखना है, साफ लिखना है, ध्यान से अपना वर्क करना है। तो बच्चों, घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, जो कार्य आपको बताया गया है उसको करते रहिए। आपके माता पिता से कहूँगी कि कृपया अपने बच्चों की फीस समय से ही विद्यालय में जमा कराइए और हम सभी अध्यापकों का सहयोग कीजिए। धन्यवाद।